हेलो जी तो मैंने गूगल पिक्सल सेवन ए का कैमरा सिस्टम जो है वो थर् टेस्ट किया काफी सारे फोटोज लिए और क्या क्या फाइंडिंग्स हैं मेरी विथ रिगार्ड्स टू द कैमरा सिस्टम ऑफ द सेवन ए लेट्स फाइंड आउट सबसे पहले हम सबको पता है तो मैं इतना जो है डिटेल में टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं जाने वाला हूँ टेक्निक इंपॉर्टेंट है ना कि टेक्नोलॉजी बट फिर भी जिन लोगों ने नया नया ज्वाइन किया है ये वीडियो या जिनको पता नहीं है वॉट द सेवन एज कैमरा सिस्टम इज ऑल अबाउट उनको बता दूं कि 64 मेगापिक्सल का जो है इसमें कैमरा आपको मेन सेंसर मिल जाता है बट 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होते हुए भी पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी यूज करके फाइनल इमेजेस जो है वो गूगल पिक्सल सेवन अपने मेन सेंसर से लेता है अबाउट आई थिंक 16 मेगापिक्सल का विच इज डिसेंट इट इज नॉट हाई मेगापिक्सल काउंट बट डीसेंट इनफ और एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी जो है आपको मिल जाता है विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस ओवरऑल तो दो कैमरा लेंसेज आपको मिल जाते हैं पिक्सल सेवन या कह लीजिए पिक्सल सेवन प्रो की तरह अदर हमको जो है इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है तो वो जो है मिस है बट देन अगेन फॉर द प्राइस पॉइंट आई थिंक दीज कैमरा सिस्टम्स आर डिसेंट कमिंग टू द मेन सेंसर आई थिंक द मेन सेंसर इज़ वेरी वेरी नाइस आई थिंक दैट इज द इसिंग ऑन द केक जो डिटेल्स हैं मेन सेंसर के वो बहुत ही बेहतरीन है बिकॉज इट्स अ कंपेरेटिवली बिगर सेंसर सेवन और सेवन प्रो से छोटा है सेंसर साइज में बट सिक्स ए से थोड़ा सा जो है बड़ा है सेंसर विच मींस इट गैदर्स दैट मच मोर लाइट और एज अ रिजल्ट द इमेजिंग क्वालिटी इज वेरी वेरी नाइस फाइनल इमेजेस आप देख रहे हो ये सारे जो है मेन सेंसर के इमेज है वाइब्रेंसी हो कलर्स हो कॉन्ट्रास्ट हो याचुरल लुक है गूगल पिक्सल का वो मेन सेंसर जो है बेहतर है अवेलेबल लाइट uh, में डे लाइट में इतना डिफरेंस आपको पता नहीं लगने वाला हैीप really, really फिर भी जो है डे लाइट में आपको इतना डिफरेंस पता नहीं लगने वाला है बट दैट इज अ वेरी वेरी

डिजिटली uh, जूम करके लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो ऑल्दो मैं जनरली 2x या 4x एक्स या जितना भी डिजिटली जूम के मोड्स हैं उनको यूज करने से मैं जनरली uh, मना करता हूँ सबको बट देन अगेन वंस इन अ वाइल इसका तो 2x आप जरूर यूज कर सकते हो बिकॉज ओवरऑल क्वालिटी में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है वेराइज सिक्स ए के टू एक्स में अगर आप जाओगे तो उसमें जो है क्वालिटी में फर्क आपको दिखने लगता है दिस इज नॉट अ डायरेक्ट कंपेरिजन विदराज बिटवीन द सिक्स एंड द ए दिस इज जस्ट अ स्टैंड अलोन रिव्यू ऑफ द कैमराज ऑफ द सेवन ए तो मैं सिक्स ए से ज्यादा कंपेरिजन फिलहाल नहीं करने वाला हूँ विल जस्ट टॉक अबाउट एंड स्टिक टू द सेवन इज कैमरा तो बेहतरीन लाइट में डे लाइट में द मेंसर इज मेन सेंसर इज एपसोलिटी ब्रिलियंट एंड सो इज द वाइड एंगल

Physics, ये जो है वाइड एंगल लेंस की एक फिजिक्स की क्वालिटी है इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते ऑफ कोर्स देर आर पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप लाइंस को स्ट्रेट कर सकते हो बट आई एम वेरी मच फाइन विद दैट बिकॉज इसका वाइड एंगल लेंस इज वेरी वेरी वाइड ऑल्सो द फैक्ट दैट द वाइड एंगल लेंस एंड द मेन सेंसर वाइड बैलेंस इज प्रेरी मच सिमिलर तो आपको जो है कलर्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला है ज्यादा तो ज्यादातर डिफरेंस नहीं दिखने वाला है मैंने कई फोन्स में देखा है वाइड एंगल और मेन सेंसर में कलर शिफ्ट इतना होता है कि दैट किल्स द एंटायर फील ऑफ बोथ द कैमराज बट इन दिस केस आई फील वाइड एंगल लेंस ऑफ द पिक्सल 7A is इज much मच to टू द मेन सेंसर ऑफ द itself. तो so, दोनों में कलर शिफ्ट कुछ नहीं है डिटेल की मैं बात करूं तो जूम इन करोगे तो कोर्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पिक्सल्स फट जाते हैं बट एज अ होल अगर आप देखोगे काफी बेहतरीन जो है इसका वाइड एंगल शॉट आपको मिलता है तो इसमें जो है वाइड एंगल में कोई भी इसमें मैक्रो मोड वगैरह नहीं आया है पिक्सल सेवन ने या सेवन प्रो में आई थिंक विद द लेटेस्ट जून अपडेट मैक्रो केपेबिलिटी एड कर दी है गूगल में बट सेवन ए में ऐसा कुछ भी मोड नहीं है तो द क्लोज फोकसिंग डिस्टेंस इज डिस मैं ज्यादा क्लोज जाके फोटोज वैसे भी लेना पसंद नहीं करता हूं इट इज हां ऑन द मेन सेंसर सेंसर इज अगस्ट सेंसर आप जो है नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर जरूर देखोगे अगर आप सब्जेक्ट के क्लोज अपने फोन को लेके जाओगे बट दैट इज मेजरली एंड ओनली विद द मेन सेंसर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों मैं नेचुरल ऑर्गेनिकली ब्लर की बात कर रहा हूं बिकॉज द मेन सेंसर ऑफ द पिक्सल सेवन ए इज अ मच बिगस सेंसर तो आप अगर क्लोज शूट करते हो अपने सब्जेक्ट के विद मेन सेंसर तो आपको जो है बैकग्राउंड में एक बहुत ही नेचुरल बहुत ही प्लीजिंग सा ब्लर आपको दिख जाएगा बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की बिकॉज पोर्ट्रेट मोड हम सब शूट करते हैं मुझे जनरली पोर्ट्रेट मोड जो है इसका डिसेंट लगा है कई बार जो है एज डिटेक्शन में इश्यू जरूर आती है बट

फोर ए में चला जाना चाहूंगा अगर मैं सिर्फ पोर्ट्रेट मोड की बात करूं बट डिसेंट है ऐसा कुछ खास नहीं है मैं ज्यादातर जो है पोर्ट्रेट मोड में वैसे भी शूट नहीं करता हूं तो मेरे लिए तो यार ठीक ठाक है बट डेफिनेटली एज डिटेक्शन कुड बी बेटर आई एम होपिंग दैट विद फ्यूचर अपडेट्स गूगल मेक्स अ पोर्ट्रेट मोड इवन मोर बेटर इसमें आपको डिफरेंट और मोड मिल जाते हैं लाइक लॉन्ग एक्सपोजर मोड जो कि सिक्स में नहीं था दैट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग टू यूज आप जो है अगर ट्रैफिक की लाइट्स की फोटोज लेना चाहते हैं या कहीं पे मोशन शूट करना चाहते हैं उसके लिए जो है लॉन्ग लॉन्ग एक्सपोजर मोड इज वेरी वेरी हैंडी मैंने दो चार फोटो लिए हैं लॉन्ग एक्सपोजर मोड में आई फाउंड द लॉन्ग एक्सपोजर मोड टू बी अ रियली रियली नाइस फीचर गिमिक नहीं है आप जरूर यूज करिएगा लॉन्ग एक्सपोजर मोड अगर आपको पता है किस मौके में कब लॉन्ग एक्सपोजर मोड आपको यूज करना है बाकी मोड जो है नाइट मोड वगैरह सब कुछ है नाइट मोड इज वेरी वेरी नाइस नाइट में आप अगर बड़े सेंसर मेन सेंसर से शूट करते हो अगेन बिकॉज द मेन सेंसर इज बिगर इन साइज ज्यादा लाइट कैप्चर करता है और ऑफकोर्स कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी गूगल अपने फोन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानता है इस्तेमाल करना जिसकी वजह से नाइट फोटोग्राफी में आपको काफी मजा आने वाला है मैं ऐसा बंदा हूं यार मैं नाइट में फोटोज लेना बहुत पसंद करता हूं बिकॉज सेम सीन को आप दिन में शूट करिए और नाइट में शूट करिए दोनों में जो है जमीन आसमान का फर्क होता है बिकॉज नाइट फोटोग्राफी इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट फॉर एनी मोबाइल फोन बट आई एम ग्लैड टू रिपोर्ट द मेन सेंसर ऑफ द गूगल पिक्सल सेवन ए डेंटेस्टिक जॉब वेन इट कम्स टू नाइट फोटोग्राफी वाइड एंगल में नाइट फोटोग्राफी करने से मना करूंगा बिकॉज डीसेंट है क्वालिटी वाइज की मैं बात करूं तो कैप्चर तो कर लेता है सीन पर थोड़ा थोड़ा जूम करोगे तो आपको कहीं कही ना कहीं जो है ग्रेन्स दिखेंगे वो ग्रेन्स जो है आपको मेन सेंसर में नहीं दिखने वाला है तो वो एक छोटी सी चीज है जो मुझे लगा द पिक्सल सेवन ए कुटर इज नाइट फोटोग्राफी विद द वाइड एंगल लेंस बात करते हैं वीडियो की और uh, जो रियर कैमरा है दैट इज वेरी वेरी इंप्रूवड वेन इट कम्स टू वीडियो केपेबिलिटी फोर के सिक्सटी एफ पी एस तक तो है आप शूट कर सकते हैं तो फोर के सिक्सटी है फोर के थर्टी है मैं जनरली फोर के थर्टी और फोर के सिक्सटी के बीच में शूट करता हूं तो काफी अच्छी क्वालिटी है वीडियोज में पिक्सल जो है कहीं ना कहीं पीछे रहा है एज कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर्स बट विद द सेवन ए आई थिंक देव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड काफी डिसेंट वीडियो क्वालिटी है ओवरऑल तो आप जरूर जो है वीडियो में भी यूज कर सकते हो are the wide angle lens as well as well as the main camera again नाइट में अगर आप वीडियो शूट करते हो तो जनरली मैं वीडियोस में नाइट में मेन सेंसर से ही शूट करना चाहूंगा बिकॉज वाइड एंगल में जो है वीडियो सारी मशी सारी ग्रेनी हो जाती है कहीं ना कहीं और डिटेल्स जो है लूज हो जाती है बिकॉज क्यों क्योंकि वाइड एंगल लेंस का जो एपर्चर है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द मेन लेंस तो मेन लेंस में लाइट ज्यादा आती है और जितनी लाइट ज्यादा आएगी उतनी ही ज्यादा बेहतरीन जो है आपकी इमेज आएगी आपकी वीडियो आने वाली है तो क्या मैं कैमरा के बेसिस पे आपको कहूंगा कि सिर्फ आप गूगल

तब आप अपडेट अपग्रेड कर सकते हो इफ यू आर ऑन समथिंग लाइक सिक्स ए इतनी जल्दी नहीं है बट फोर ए में अगर आप हो

इज इट बेटर दैन द सिक्स ए वेल इन सर्टन एस्पेक्ट्स येस इट इज बेटर डेफिनेटली बट क्या मैं सिर्फ कैमरा के बेसिस पे अपग्रेड करना चाहूंगा सिक्स ए से सेवन ए दैट रिमेन्स टू बी सीन बट एज ऑफ नाव माई आंसर इज नो इफ फोर्टी फोर थाउजेंड रुपीज इज द करेंट प्राइस एज ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं डाउन द लाइन जब प्राइस डिक्रीज होंगे दैन दिस फोन विल मेक अलॉट मोर सेंस दैन इट मेक्स राइट नाव तो आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कैमरा सिस्टम कैसा लगता है सेवन ए का अगर आप सेवन ए यूज कर रहे हैं वो भी जरूर बताइएगा और क्या देखना चाहोगे as regards to the वो 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 भी 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 मैं जरूर जानना एक uh, quick review का आने uh, आने वाला है And of course, versus the वो भी दो है दो जो हैं वाली है। तो अगर आपको वो में इंटरेस्ट है तो जरूर देखिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा और नए हैं तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा फिलहाल मैं चाहूंगा इजाजत टिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम चाओ